रजनीकांत इज बैक फिर करेंगे बॉलीवुड पर राज। साउथ इंडस्ट्री की जान कहे जाने वाले अभिनेता रजनीकांत ने साउथ के साथ साथ कई हिंदी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी काम किया है। जी हाँ, एक बार फिर से लेजेंड रजनीकांत बॉलीवुड में धमाल मचाने के लिए एकदम तैयार है। उन्होंने कई बॉलीवुड हिंदी फिल्मों में काम किया और अपने एक्शन रोल की बॉलीवुड पर छाप छोड़ी। रजनीकांत साहब प्रोड्यूसर साजू नडियाडवाला के साथ पहली फिल्म करेंगे। एक बार फिर रजनीकांत ने एक बड़े प्रोड्यूसर के साथ हाथ मिलाया। जेला और लाल शरम जैसी फिल्मों में 73 साल के रजनीकांत ने जिस तरह की भूमिका निभाई वो सच में काबिले तारीफ थी। वह जल्द ही अमिताभ बच्चन के साथ भी एक फिल्म करने जा रहे हैं। इस बीच अभिनेता की एक और अपकमिंग मूवी भी सामने आ रही है जिसकी अपडेट आने वाली है। दरअसल रजनीकांत जिस बॉलीवुड प्रोड्यूसर के साथ पहली बार काम करने जा रहे हैं वो है साजिद नडियाडवाला। उन्होंने हाउसफुल, जुड़वा, किक, बागी और छिछोरे जैसी तमाम फिल्में और जल्द ही रजनीकांत के साथ पर्दे पर धमाल मचाने के लिए एकदम तैयार हैं। फिल्म क्रिटिक तरुण आदर्श ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि रजनीकांत और साजिद पहली बार एक मूवी के लिए साथ काम करने जा रहे हैं। फोटो में दोनों एक साथ पोज देते हुए भी नजर आ रहे हैं। पोस्ट में लिखा है बड़ी खबर, रजनीकांत साजिद पहली बार एक मूवी रजनीकांत के साथ काम करेंगे, जल्दी और डिटेल्स भी सामने आएंगी। रजनीकांत जल्द ही अपनी 170वीं फिल्म व्यक्तियान में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन, फहद फाजिल, राणा दग्गुबाती, मंजू वॉरियर, रितिका सिंह जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा रजनीकांत के पास लोकेश कनगराज की फिल्म थलाइवा 171वीं फिल्म होगी जिसका ऑफिशियल टाइटल अभी अनाउंस नहीं हुआ है। देखना ये होगा क्या सच में कर पाएंगे रजनीकांत दोबारा से बॉलीवुड पर राज। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।